गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से हम प्रो कैरियोटिक सेल, यू कैरियोटिक सेल, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आज भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं यू कैरियोटिक सेल के अंदर, उन पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, सब लोग चलो जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाओ लेक्चर के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग चेतन, संपदा, आरिश, उसके बाद सार्थक, संस्कृति, ऋतुजा, सागर, मयूर, भूमि। चलो बाकी के लोग जो है वो भी जल्दी जल्दी ज्वाइंट हो जाओ सो दैट हम लेक्चर को स्टार्ट कर ले फटाफट। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सनिल, प्रांजल, मानसी। चलो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाओ। वेदांत, वेरी गुड। फटाफट सब लोगों ने लाइव ज्वाइंट हो जाना है। हर्षली, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षली। कांचन इज ऑल्सो ज्वाइंट, वेरी गुड कांचन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो जब तक बाकी के लोग जो है वो ज्वाइंट होते हैं, ओके, लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, शायद कुछ लोगों का आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से लेक्चर को सिर्फ देखना है। इतना गारंटी है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर आज हम फर्स्टली ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके पहले हमारा कुछ जो है मिस आउट हुआ है, तो उसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, जो मिस आउट हो गए वो लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जैसे मैं बोल रहा हूं, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट है उनको तो पता है क्या चल रहा है। ओके, जो नए ज्वाइंट हुए उनके लिए बता देता हूं कि वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ यू कैरियोटिक सेल। शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यू कैरियोटिक सेल के जो पार्ट्स है उसके अंदर आज जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेम ऑफ दैट पार्ट इज सेंट्रियोल। वो जो पार्ट है आपका, उस पार्ट का नाम क्या है? सेंट्रियोल है। ओके, तो ये जो सेंट्रियोल का कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेंट्रियोल, आई कैन शो यू समथिंग। मान लो कि ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस। हमेशा हम इसी तरह ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ओके, देन ये भी सबको पता है, इनसाइड दिस सेल यू कैन फाइंड अ न्यूक्लियस। क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस मिलेगा, एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अराउंड क्या देखने को मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। सो मेरा पहला कंसेप्ट यहां पे ये है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, अराउंड दैट न्यूक्लियस यू कैन फाइंड वन डेंस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत करीब आपको साइटोप्लाज्म का एक किस तरह का एरिया देखने को मिलेगा? डेंस एरिया। डेंस का मतलब वहां पे साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी जो है वो बाकी के सेल से थोड़ी ज्यादा है। ओके, क्योंकि देखो यहां पे मैंने साइटोप्लाज्म शो किया है, ये सब लोगों को दिख रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे देखो साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। ओके, इस पॉइंट पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, सो ये जो डेंस एरिया है साइटोप्लाज्म का, दिस एरिया इज एक्चुअली नोन एज सेंट्रोसोम। ये जो एरिया आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, इस एरिया को क्या बोलना है आपको? सेंट्रोसोम ऐसा बोलना है, बहुत सिंपल है। ओके, एंड इन दिस सेंट्रोसोम यू कैन फाइंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। इस सेंट्रोसोम के अंदर आपको सेंट्रियोल्स की क्या देखने को मिलेगी? एक पेयर। पेयर मतलब कितने सेंट्रियोल्स होते हैं?
दो सेंट्रियोल्स आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल। ओके, तो यहां तक ये समझना है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ डेंस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। दैट डेंस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज व्हाट? सेंट्रोसोम। और इस सेंट्रोसोम के अंदर यू कैन फाइंड अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की क्या देखने को मिलेगी आपको? पेयर, मतलब कितने सेंट्रियोल्स होंगे यहां पे? दो सेंट्रियोल्स होंगे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस सेंट्रियोल, एक्चुअली इट इज अ रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर। जैसे मेरे हाथ में ये पेन दिख रहा है आपको, ओके, एक रॉड की तरह या सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है विच इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शायद आपको अगर थोड़ा सा मेरा लास्ट लेक्चर याद होगा, ओके, तो राइबोसोम नाम का पार्ट हमने पढ़ा था, उसको भी कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं थी। मेम्ब्रेन का मतलब लेना है आउटर कवरिंग, खुद की आउटर कवरिंग यहां पे नहीं होती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। एंड वन मोर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन फाइंड दिस सेंट्रियोल्स ओनली इन एनिमल सेल्स। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स में देखने को मिलते हैं? एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये था आपका सेंट्रियोल का इंट्रोडक्शन। अभी अगर मैं बात करता हूं एक मैच्योर सेंट्रियोल की, एक सेंट्रियोल जो है वो पूरी तरह मैच्योर हो गया है, ओके, तो मैंने बोला कि ये एक रॉड की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है। ओके, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, एग्जैक्टली ये सेल में क्या काम करता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूं, ओके, कि ये जो आपका सेंट्रियोल है किसकी तरह है? रॉड की तरह। रॉड होगा तो उसको लेंथ होगी, और अगर इस रॉड को आप सामने से देखोगे सर्कल देखने को मिलेगा, मतलब उसको डायमीटर भी होगा। दो डायमेंशंस की बात करने वाले हम। ओके, तो सबसे पहले मैच्योर सेंट्रियोल का जो भी क्या होता है डायमीटर, इट इज समथिंग अराउंड 1500 to 2500 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। ओके, ये हमको पता है कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट इज 10^-10 meters। कितना होगा ये? 10^-10 meters होने वाला है। ओके, तो ये जो डायमीटर है मैच्योर सेंट्रियोल का ये कितना होता है? ओके, 1500 to 2500 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। और अगर इस सेंट्रियोल की हम क्या ऑब्जर्व करते हैं लेंथ, इट इज 1600 to 8000 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। ओके, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं मैच्योर सेंट्रियोल हैज अ डायमीटर ऑफ 1500 to 2500 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट एंड लेंथ ऑफ दिस सेंट्रियोल इज समथिंग अराउंड 1600 to 8000 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। अभी इसको और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व अ सिंगल सेंट्रियोल, अगर आप सिंगल सेंट्रियोल को ऑब्जर्व करते हो तो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 9 clusters। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 microtubules। नाउ दीज microtubules आर also द रॉड लाइक structures। microtubule जो बात कर रहा हूं मैं, ये जो microtubule ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है ये खुद एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं 3-3 microtubules के 9 clusters होते हैं अरेंज इन अ सर्कुलर पैटर्न। इसका डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। ये देखो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये सिंपल यहां पे आपको दिख रहा है। सी नाउ थोड़ा सा इसको मैं सामने से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, हमारे पास इसका बहुत अच्छा 3D व्यू अवेलेबल है। ओके, तो ये देखो जैसे मैंने बोला आपको साइड से अगर आप देख रहे हो तो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको? एक रॉड शेप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, साइड व्यू से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं यहां पे, ये वाला एक है, पीछे हमको एक और दिख रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये जो रॉड है सिंगल रॉड, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड माइक्रोटिब्यूल। ओके, ये मैंने आपको साइड से दिखा दिया, अभी अगर आप इसको सामने से, फ्रंट ये रॉड है मेरा, इसको अगर मैं सामने से देखता हूं, ओके, तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सिंपल। ओके, तो ये है आपके सेंट्रियोल का फ्रंट व्यू। ओके, थोड़ा सा इसको और मैं अरेंज कर लेता हूं,
ये देखो यहां पे, तो ये अभी देखो एक दो तीन, तीन माइक्रोटिब्यूल्स हैं और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कितने क्लस्टर्स है? टोटल 9 क्लस्टर्स है। वापस एक बार मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम में दिखाऊंगा, ओके, लेकिन पहले तो ये 3D मॉडल को आप समझ लो, ओके। मैं बोल रहा हूं तीन तीन माइक्रोटिब्यूल के, ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे तीन तीन माइक्रोटिब्यूल के कितने क्लस्टर, कितने ग्रुप है? 9 क्लस्टर्स होते हैं, अरेंज इन अ सर्कुलर पैटर्न। जो कौन से पैटर्न में अरेंज दिख रहे हैं हमको? सर्कुलर पैटर्न में अरेंज दिख रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, ओके। देन ये जो आपका सेंट्रियोल यहां पे आपको दिख रहा है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास होगा, ओके। वापस एक बार ये इस तरह से मैं दिखा देता हूं, अभी देखो ये सेंट्रियोल है आपका, इसके अंदर से देखो सेंटर से एक सेंट्रियोल, एक एक्सिस पास होगा, पूरा सेंट्रियोल है आपका, सेंटर से एक एक्सिस पास होने वाला है, दैट विल बी नोन एज लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रियोल। सो दोनों का अरेंजमेंट अगर आप देखते हो तो एक सेंट्रियोल का लॉन्ग एक्सिस दूसरे सेंट्रियोल के लॉन्ग एक्सिस को 90 डिग्री के एंगल में होता है, ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ओके। मैं बोल रहा हूं ओके, एक सेंट्रियोल का जो लॉन्ग एक्सिस है वो दूसरे सेंट्रियोल को ओके कौन से फॉर्म में, कौन से एंगल में होगा? राइट एंगल में प्रेजेंट होता है। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा ये देखने को मिलेगा आपको, ओके, ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर इसका लॉन्ग एक्सिस इस तरह पास हो रहा है तो इसका इस तरह पास होगा, ओके, और हमेशा ये एक दूसरे को कौन से एंगल में रहेंगे? राइट एंगल में रहेंगे। तो देखो ये दोनों सेंट्रियोल्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, ओके। वापस एक बार बता देता हूं, वापस एक बार प्रॉपरली सब लोग देख लो, ओके। हमारे पास इसका 3D एनिमेशन अवेलेबल था तो ये बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाता है, ओके। तो चलो थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलो तो जैसे मैंने बोला, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, तो एक और बार इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करता हूं, 3D तो मॉडल मैंने आपको दिखा दिया, अभी डायग्राम मुझे फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपके तीन माइक्रोटिब्यूल का एक क्लस्टर, ओके। मैं सिर्फ आपको इसका अभी क्या दिखा रहा हूं, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। ये रॉड है मेरे पास और मैं आपको इसका फ्रंट व्यू शो कर रहा हूं। ये फ्रंट से आपको क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा, राउंड दिखेगा, ओके। देन ये है आपके तीन माइक्रोटिब्यूल का सेकेंड ग्रुप, ओके। बाद में ये है आपका ग्रुप नंबर 3, ये है ग्रुप नंबर 4, दिस इज ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 8 एंड फाइनली देयर इज अ ग्रुप नंबर 9, ओके। तो देखो ऐसे तीन तीन माइक्रोटिब्यूल का क्या है? 9 क्लस्टर्स है, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज है और ये सारे एक दूसरे को इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये उनके अंदर के क्या है? कनेक्शंस है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है और फिर यहां पे आपका सेंट्रियोल का सेंटर है, यहां पे आपके सेंट्रियोल का क्या देखने को मिलेगा आपको? सेंटर होगा, ओके। और ये इस तरह से आपको सर्कुलर पैटर्न में अरेंज दिख रहे हैं, सिंपल लॉजिक है, ओके। तो लॉन्ग एक्सिस यहां से पास होगा, सेंटर से, जो पॉइंट बताया था मैंने, एक सेंट्रियोल का लॉन्ग एक्सिस दूसरे सेंट्रियोल के लॉन्ग एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल में होता है, सिंपल, ओके। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा और ये सेंट्रियोल्स के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस। ये इस तरह कनेक्शंस होंगे और ये जो कनेक्शंस मैंने आपको दिखाए यहां पे, दीज आर वेरी पॉपुलरली नोन एज स्पोक। जैसे आपके साइकिल के व्हील में या फिर आपके गाड़ी के व्हील में स्पोक्स होते हैं, स्पोक तो अभी थोड़ा सा चला गया क्योंकि अभी मैक व्हील, एलॉय व्हील ये कंसेप्ट आ चुका है, लेकिन अगर पुरानी कोई साइकिल वगैरह होगी आपके पास, ओके, बचपन में कोई साइकिल अगर देखी होगी, ओके, तो वो साइकिल के जो व्हील होते हैं तो उनको जो रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, स्पोक्स बोला जाता है, तो यहां पे भी उनको हमको क्या बोलना है? स्पोक्स ऐसा बोलना है, सिंपल। तो ये था आपके सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, इसको वापस एक बार हम रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ओके। लेकिन इससे पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये सेंट्रियोल्स काम क्या करते हैं। सबसे पहला काम, ये जो सेंट्रियोल्स है, ओके, दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्या बनाने में मदद करेंगे आपको? स्पिंडल एपरेटस फॉर्म करने में मदद करेंगे. कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर स्पिंडल एपरेटस क्या होता है? सेल डिवीजन तो पता होगा, वन सेल इज गोइंग टू डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स. एक सेल डिवाइड होगी, दो नए सेल्स बनेंगे. और जब यह होता है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. यह तो पढ़ा होगा आपने, एटलीस्ट इतना तो पता होगा. सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस. बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? साइटोकाइनेसिस. तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो देखो अभी क्या होगा. मैंने आपको अभी शो किया था, मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है. ओके, आपने बोला कि सर न्यूक्लियस के पास ये यहां पे क्या प्रेजेंट है आपके? सेंट्रियोल्स. ये नीचे यहां पे भी क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स. सिंपल, ये भी सबको पता है. अभी तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको. ओके, क्योंकि सेल डिवीजन नाम का एक अलग चैप्टर है जहां पे हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, फिलहाल एक रफ आइडिया देने वाला हूं. आपके न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स भी बताऊंगे आप सब लोगों को. तो ये मैंने क्रोमोसोम शो कर दिए. तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस की बाहर की बाउंड्री जो है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट विल डिसअपीयर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा. और ये जो आपका एरिया है जहां पे आपने क्या शो किए? सेंट्रियोल्स. ओके, तो ये एक्चुअली यहां से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. ये मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पे. ये देखो, ये स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है. ओके, ये जो स्ट्रक्चर अभी मैं बना रहा हूं, दिस इज नोन एज स्पिंडल एपरेटस. इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल एपरेटस ऐसा बोलते हैं. और ये जो स्पिंडल एपरेटस बना है, ओके, ये एक्चुअली बनाया है आपके सेंट्रियोल्स ने. यहां पे जो पॉइंट है इसको मैं बोल दूंगा स्पिंडल पोल. क्या ये आपका स्पिंडल पोल है? ओके, तो स्पिंडल पोल बना है. ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स. तो ये स्पिंडल फाइबर्स बने हैं और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला है आपने? स्पिंडल एपरेटस. आप बोलेंगे सर इसका क्या फायदा है? तो देखो क्या होता है. होता क्या है, ऑल द क्रोमोसोम्स गेट अरेंज एट द सेंटर और एट द इक्वेटर. सारे के सारे क्रोमोसोम्स यहां पे आ जाएंगे, सेंटर पे या फिर कहां पे? इक्वेटर पे. ये बहुत सिंपल है. ओके, और फिर क्या होता है ना, स्पिंडल फाइबर्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड. कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खींचते हैं. और ये क्रोमोसोम यहां से सेंटर से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. तो आधा पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, रिमेनिंग हाफ पोर्शन विल मूव टू द लोअर साइड. जब ये ऊपर की तरफ रीच करेगा इस साइड में, तो यहां पे एक न्यूक्लियस बन सकता है ऊपर के साइड में. और ये जो नीचे का पोर्शन है, जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो नीचे के साइड में भी क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियस. सिंपल. ओके, मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक से दो होते हैं, तो उस डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल एपरेटस का रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है. और ये बनाने का काम कौन कर रहे हैं आपके? सेंट्रियोल्स. ये उसका सबसे पहला काम है. बाद में आपने शायद सुना होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, मान लो एक डायग्राम यहां पे बनाता हूं. ये डायग्राम आपने बहुत बार देखा भी होगा. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ लोग आइडेंटिफाई कर जाएंगे जैसे डायग्राम पूरा हो जाएगा. ये देखो, ये स्ट्रक्चर्स है. ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. पैरामेशियम सबने देखा है. ओके, तो मैं बोल रहा हूं ये जो बाहर की तरफ मैंने हेयर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स शो किए हैं, एक्चुअली दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिलिया. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? सिलिया, जो लोकोमोशन या मूवमेंट में मदद करते हैं. या फिर जब मैं ह्यूमन स्पर्म की बात करता हूं तो ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरह से होता है. रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं वापस एक बार इसको. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म. ओके, तो यहां पे नीचे ये जो टेल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजेला. यहां पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए उनको क्या बोला? सिलिया. स्पर्म का डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, वहां पे जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? फ्लैजेला. ओके, सो द कंसेप्ट इज फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला. सिलिया और फ्लैजेला को बनाना, उसको रीजनरेट करना, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल.
ये भी आपके सेंट्रियोल का फंक्शन है। दो ही चीजें याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल पोल, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एज वेल एज द फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रियोल। ये सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है? सेंट्रियोल के कंट्रोल में होता है। सिंपल, ओके। तो ये था आपका पहला टॉपिक आज के लेक्चर का, जिसको मैंने नाम दिया था सेंट्रियोल। वापस एक बार रिवाइज करके बताने वाला हूं, बहुत सिंपल है। ओके, मैंने बोला साइटोप्लाज्म के अंदर, और सॉरी आपके सेल के अंदर देयर इज वन डेंस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। डेंस मतलब जहां पे साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ही होता है। ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोसोम। और हर सेंट्रोसोम के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल जो है वो किसकी तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है? एक रॉड या सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है, विच इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, जिसको किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया हुआ है। ओके, देन ये जो आपका मैच्योर सेंट्रियोल होता है उसका डायमीटर कितना होता है? 1500 टू 2500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और उसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है? 1600 टू 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सिंपल, ओके। उसके बाद हर मैच्योर सेंट्रियोल के अंदर मैंने बोला आपको देर आर 9 क्लस्टर्स ऑफ 3 माइक्रोटिब्यूल्स। तीन तीन माइक्रोटिब्यूल के टोटल 9 ग्रुप, 9 क्लस्टर होते हैं, अरेंज इन अ सर्कुलर पैटर्न, जो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज है। ओके, जहां से सेंटर से एक एक्सिस पास होता है उसको हम बोलेंगे लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल का लॉन्ग एक्सिस दूसरे के लॉन्ग एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है। एंड फाइनली मैंने बताया इसका जो मेन काम है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एज वेल एज द फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ सिलिया। एंड फाइनली मैंने बताया ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रियोल। ये आपके सेंट्रियोल का कंसेप्ट है। ओके, तो सिंपली ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो। यस, आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है। चलो फटाफट आंसर कर दो। वेरी गुड, प्रणीत को समझ में आ गया। वेरी गुड प्रणीत, संस्कृति इज सेइंग क्लियर है, क्या बात है। संपदा, वेदांत, सार्थक, चलो जल्दी जल्दी। ऋतुजा, वेरी गुड ऋतुजा, चेतन, भूमि, यस। चलो बाकी के लोग कहां पे हैं? रिप्लाई करो, एवरीवन हैज टू रिप्लाई, सब लोगों को रिप्लाई करना है। सनिल, मयूर, वेरी गुड मयूर, मानसी को भी समझ में आ गया, क्या बात है मानसी, वेरी गुड। अनुष्का पाटिल, ओके, निर्मला, मयूर, मयूर कह रहा है ऑल राइट है सर, क्या बात है, वेरी गुड मयूर। चलो पंकज को भी सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड पंकज। ठीक है, आई थिंक तो सब लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके, कुछ डाउट्स भी आते हैं तो बाद में भी हम क्लियर कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, एक और पार्ट को डिस्कस करेंगे आपके यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में। अगला पार्ट जो है, ओके, उसको हम नाम देने वाले हैं साइटोस्केलेटन। अगला जो पार्ट है उसको क्या नाम देना है आपको? साइटोस्केलेटन, ऐसा नाम देना है। अब ये साइटोस्केलेटन एग्जैक्टली है क्या? स्केलेटन तो सुना होगा, आपके बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ स्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ओके, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ये आपकी सेल है, ओके, अगर ये आपका सेल है तो मैं ये बोलूंगा कि साइटोस्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर विच फील्स द साइटोप्लाज्म। ये साइटोस्केलेटन नाम का ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसको फील करता है? फील मतलब भर देता है पूरा। आपका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म इट्स साइटोस्केलेटन से भरा हुआ है। सेल के अंदर जो भी क्या है, साइटोप्लाज्म
इट इज ऑल फील्ड विथ व्हाट यूअर साइटोस्केलेटन. और ये साइटोस्केलेटन जो है इट इज यूनिक टू यूकैरियोटिक सेल. ये भी ध्यान में रखना है. ये जो चीज की मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में देखने को मिलेगा आपको? यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेगा. सिंपल है. ओके अभी ये जो आपके साइटोस्केलेटन है मैंने जो डायग्राम में आपको शो किया है इसके अंदर आपको छोटे छोटे थ्रेड जैसे धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. ओके बायोलॉजी के अंदर अगर कोई धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं या फाइबर बोला जाता है. बायोलॉजी में थोड़े वर्ड्स अलग होते हैं ये समझना है. मैं बहुत बार बोलता हूं हमेशा मेरे लेक्चर में बोलता हूं बायोलॉजी इज अ गेम ऑफ वर्ड्स. ओके आपको वर्ड्स के मीनिंग अगर समझ में आते हैं ओके तो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा. ओके तो मैं बोल रहा हूं कोई धागे जैसा स्ट्रक्चर अगर हमको दिखता है बायोलॉजी के अंदर या तो हम उसको फाइबर बोल सकते हैं या तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? फिलामेंट. तो आपके साइटोस्केलेटन के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं मतलब जो धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज फिलामेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. ये फिलामेंट्स आपको कितने टाइप के देखने को मिलेंगे? तीन टाइप के फिलामेंट्स होते हैं. वन बाय वन देखेंगे हम. सबसे पहला जो है इट इज कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट. सबसे पहला जो होगा उसको क्या नाम दे रहा हूं मैं? माइक्रोफिलामेंट ऐसा नाम दूंगा. जो दूसरा है यहां पे इट इज कॉल्ड माइक्रोटिब्यूल. ओके और जो तीसरा है इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. उसको क्या नाम देना है आपको? इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसा नाम देना है. सिंपल. क्या बोल रहा हूं वापस एक बार बता रहा हूं मैं. ओके साइटोस्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर विच फील्स द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को भरा हुआ है उसने पूरा. ओके आपका जो साइटोस्केलेटन होता है ओके ये यूनिक है किसको? आपके यूकैरियोटिक सेल को. ओके ये स्ट्रक्चर जो है ना एक्चुअली दिस इज वर्किंग फॉर मोमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द सेल. ये आपके सेल को दो चीजें करने वाला है. सबसे पहले तो आपके सेल की जो मूवमेंट होगी ओके उस मोमेंट में मदद करेगा. सेल को अंदर से क्या करेगा? सपोर्ट. जस्ट लाइक देखो आपके बॉडी में अगर सपोज मुझे ये हाथ को मूव करना है समथिंग लाइक दिस तो इस मूवमेंट में बोन्स इन्वॉल्व है. ओके और दूसरी चीज मसल्स भी इन्वॉल्व है. दो चीजें इन्वॉल्व है. ओके ज्वाइंट्स भी होते हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें की बात कर रहा हूं मैं. जब मैं मेरे मूवमेंट्स कर रहा हूं बॉडी पार्ट्स के तो ये बोन्स और मसल्स की मदद से हो रहा है. तो आपके सेल में बोन्स और मसल्स की तरह काम करने वाला साइटोस्केलेटन होता है. सेल के अंदर बोन्स और मसल्स की तरह कौन काम करेगा? आपका साइटोस्केलेटन. क्योंकि यहां पे बोन्स क्या कर रहे हैं? ओके सपोर्ट दे रहे हैं और मूवमेंट में मदद कर रहे हैं. उसी तरह आपके सेल को सपोर्ट देना सेल के मूवमेंट में मदद करना ये आपके साइटोप्लाज्म का सॉरी साइटोस्केलेटन का मेन काम है. और फिर आपने बताया कि सर वो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट्स. और ये साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप के फिलामेंट्स होते हैं. पहला होता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है माइक्रोटिब्यूल, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट. वन बाय वन हम जाएंगे. माइक्रोफिलामेंट्स आर माइक्रोफिलामेंट्स की जब बात कर रहा हूं मैं ओके दीज आर थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. थिन और धागे की तरह और थ्रेड की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ प्रोटीन एंड नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज एक्टिन. ये बहुत बार पूछा गया है कि माइक्रोफिलामेंट्स कौन से प्रोटीन से बने होते हैं. उस टाइम पे आपका आंसर होना चाहिए कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा? यहां पे आपको एक्टिन नाम का प्रोटीन होता है. ओके तो ये यहां पे ध्यान में रखना है. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. एक्टिन के बारे में एक और चीज हमको ध्यान में रखनी है. इट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल्यूलर प्रोटीन. ओके अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला. ये वर्ड भी बहुत बार जाएगा अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब समझना है. ओके मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रोटीन सेल के अंदर होता है वो कौन सा है? आपका एक्टिन. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट अबंडेंट सेल्यूलर प्रोटीन. तो आपका आंसर उस टाइम पे क्या होगा? एक्टिन. और ये जो एक्टिन है इट एक्ट फॉर सेल्यूलर मूवमेंट्स. जैसे मैंने बोला सेल मूवमेंट में मदद करेगा ये. जस्ट लाइक ग्लाइडिंग. यहां पे ग्लाइडिंग का मतलब ले सकते हो स्लाइडिंग.
कुछ सेल्स होते हैं ओके जो स्लाइड करते हैं सरफेस के ऊपर, तो स्लाइडिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइडिंग। और इस प्रोसेस में मदद करता है आपका कौन सा, एक्टिन, या फिर कौन मदद करते हैं आपके, ये माइक्रोफिलामेंट्स। ओके उसके बाद इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल। सेल के कहां पे मदद करता है ये, कॉन्ट्रैक्शन में। देखो यहां पे मैंने ये मूवमेंट आपको शो किया था लाइक दिस, तो जब मेरा हाथ फोल्ड हो रहा है इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। बायोलॉजी में क्या बोलना है इसको, फ्लेक्शन बोलना है। तो फ्लेक्शन इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माई बाइसेप्स, ये जो मसल है यहां पे। ओके तो ये मैं बोल रहा हूं कि आपके बाइसेप्स में, आपके मसल्स में ये प्रोटीन प्रेजेंट है, कौन सा, एक्टिन, जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरे बोन्स को ये ऊपर पुल किया जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है ये किसकी मदद से हो रही है, एक्टिन की मदद से। एंड फाइनली इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मान लो कि ये सेल है आपके पास, एक रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ओके यहां पे एक न्यूक्लियस बन चुका है, दूसरा न्यूक्लियस भी बन चुका है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अभी सेल को डिवाइड करना है। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो एक ऐसा कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होगा, ओके कंस्ट्रिक्शन मतलब थोड़ा सा अंदर गया हुआ पोर्शन है। थोड़ी देर के बाद यह कंस्ट्रिक्शन जो है ना ये और डीप ग्रो करेगा। तो देखो कुछ देर के बाद आपको ये इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ये और डीप चला गया है देखो, और फाइनली ये पूरा टच करके सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो ये जो चीज है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन, देखो यहां पे भी चीज अंदर जा रही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये बोल रहा हूं मैं साइटोप्लाज्म एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, तो उसको मैं बोल रहा हूं साइटोकाइनेसिस। एंड दिस इज ऑल एंड ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। ये सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है, आपके माइक्रोफिलामेंट्स के कंट्रोल में होता है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका माइक्रोटिब्यूल। तो जब आप इस माइक्रोटिब्यूल की बात कर रहे हैं तो ये माइक्रोटिब्यूल्स भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके एंड अप्रोक्सीमेटली 20-25 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट इन डायामीटर। इनका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 20-25 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। एंड दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। जैसे आपने कहा माइक्रोफिलामेंट्स कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन नाम का प्रोटीन है, उसी तरह ये माइक्रोटिब्यूल जो है ये भी एक प्रोटीन से ही बना है, और प्रोटीन का नाम जो है वो क्या है, ट्यूबुलिन। इस ट्यूबुलिन के दो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ये भी ध्यान में रखना है। और ये माइक्रोटिब्यूल क्या काम करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैंने बताया आपको, सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 3 माइक्रोटिब्यूल्स, ऐसे 9 क्लस्टर थे, ओके तो वापस यहां पे काम जो है ना वो सेम रहेगा। दीज माइक्रोटिब्यूल्स आर यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल एपरेटस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ओके दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। वन मोर पॉइंट, दे ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तीन काम है इंपॉर्टेंट माइक्रोटिब्यूल्स के, वो आपके स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीजन के टाइम पे जो बनता है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया मैंने, वो बनाने में मदद करेंगे, ओके उसके बाद सिलिया और फ्लैजेला के फॉर्मेशन में रोल होगा। व्हेन दे आर अरेंज इन साइड द सिलिया एंड फ्लैजेला, दे आर हेल्पिंग इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर वो सिलिया फ्लैजेला के अंदर है तो वो मूवमेंट में मदद करने वाले हैं, लोकोमोशन में मदद करने वाले हैं। एंड फाइनली वो सेल के शेप को क्या रखेंगे, मेंटेन रखने का काम करेंगे, सिंपल। ओके देन लास्ट वाला जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये भी धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, समथिंग अराउंड 10 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट इन डायमीटर। इनका डायमीटर छोटा है थोड़ा, 10 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट है, और इनके अंदर भी एक प्रोटीन है, द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज केराटिन। हर एक के अंदर का प्रोटीन अलग अलग है। माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर कौन है, एक्टिन। माइक्रोटिब्यूल के अंदर कौन है, ट्यूबुलिन। और आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, केराटिन, ओके और ये जो केराटिन की मैं बात कर रहा हूं, इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द बॉडी पार्ट्स। आपके जो बॉडी पार्ट्स है उनको क्या प्रोवाइड करता है ये, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो ये बता देता हूं,
दिस केराटिन इज जनरली प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, हेयर्स एंड नेल्स. आपके जो नेल्स हैं, आपके जो हेयर्स हैं, ओके, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है. तो ये वर्ड का मीनिंग बताने वाला हूं कि सर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है. मान लो कि मेरे पास एक धागा है छोटा सा, दोनों एंड से मैंने धागे को पकड़ा और जोर से खींचा, तो वो धागा जो है पॉसिबली जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जब मैं दोनों एंड से उसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. लेकिन वही मेरे हाथ में आपको ये पेन दिख रहा है, अगर मैं इसको दोनों एंड से पकड़ के खींच रहा हूं, कितना भी जोर से खींचूं तो ये ब्रेक नहीं होगा. तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो ज्यादा है पेन का. वो जो धागे के बारे में मैंने बात किया था उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो था वो कम था. ओके, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है. तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आपके हेयर को पकड़ लो दोनों एंड से, खींचो और देखो कि वो बीच में से ब्रेक होता है कि नहीं होता है. इजीली नहीं होगा, नहीं होगा. एक्चुअल स्पीकिंग स्टील के जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके हेयर्स का होता है, बहुत स्ट्रांग है. ओके, तो ये जो है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्चुअली इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से मिलती है, विच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. एंड दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन. ओके, वापस एक बार शॉर्टकट में इसको रिवाइज करूंगा. ओके, साइटोस्केलेटन इज यूनिक टू यूकैरियोटिक सेल. इट इज अ स्ट्रक्चर विच फील्स द साइटोप्लाज्म. दिस स्ट्रक्चर वर्क्स फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द सेल बाय एक्टिंग लाइक योर मसल्स एंड बोन. सेल के सपोर्ट और मूवमेंट के लिए काम करेगा. किसकी तरह काम करेगा? एक्चुअली आपके बोन्स और मसल्स की तरह. एग्जैक्टली. ओके, और फिर इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, वो फिलामेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तीन. पहला है माइक्रोफिलामेंट, थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन. एक्टिन इज द मोस्ट अबंडेंट सेलुलर प्रोटीन. उसके बाद तीन काम इंपॉर्टेंट है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्शन या फिर साइटोकाइनेसिस. इसके अंदर मदद करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स. उसके बाद है आपका माइक्रोटिब्यूल. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, 20 to 25 angstrom unit in diameter, and they are made up of one more protein called tubulin. Tubulin naam ka protein hai. Alpha, beta subunits aapko dekhne ko milenge. Okay, teen important functions bataye. Spindle fibers ka formation hoga, cilia, flagella ka formation and regeneration hoga, ya fir cell ke shape ko maintain karna. These are the important functions of microtubules. And last mein aate hain aapke intermediate filaments, jinka diameter approximately kitna hota hai? 10 angstrom unit made up of a protein called keratin, and finally they provide tensile strength to the cell or body parts. Okay, so I think ye bhi samajh mein aa gaya hoga. Chalo batao jaldi jaldi, agar ye samajh mein aa gaya hai to agle part ki taraf move karenge. Fatafat comment box mein reply dalna hai. Okay, chat box mein reply karo, jaldi jaldi reply karna hai. One more part we need to cover, ek aur part humko cover karna hai kyunki ye topic jo hai na wo related hai. आज ही उसको पढ़ लेंगे हम तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, चलो जल्दी जल्दी. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, वी डोंट हैव टाइम. चलो क्या बात है, सब लोगों की रिप्लाई आ रहा है फटाफट. Yes. Very good. चलो तो एक और पार्ट कवर करेंगे आज के लेक्चर के लिए. ओके, एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज सिलिया एंड फ्लैजेला. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था किसके बारे में? सिलिया के बारे में. ओके, और किसके बारे में बात कर रहे थे हम? फ्लैजेला के बारे में. ओके, तो चलो ये सिलिया एंड फ्लैजेला क्या होते हैं ना वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये सिलिया फ्लैजेला जो है ना, दे आर वेरी फाइन देन हेयर लाइक एक्सटेंशन, बहुत फाइन होते हैं. ओके, और किसकी तरह दिखते हैं? एक्चुअली एक हेयर की तरह दिखने वाला क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. किसका एक्सटेंशन होता है? प्रोटोप्लाज्म का इन सम ऑफ द सेल्स. प्रोटोप्लाज्म क्या है वो बताया था मैंने, जो लोग नए उनके लिए बोल देता हूं. सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर नोन एज प्रोटोप्लाज्म. ओके, तो एक्चुअली क्या है ना कि मान लो कि ये आपकी सेल है. ओके, ये सेल के अंदर आपका जो लिविंग सब्सटेंस भरा हुआ है,
इस लिविंग सब्सटेंस को मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोटोप्लाज्म, ऐसा बोल रहा हूं। तो यहां पे होना क्या है कि देखो, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, यहां पे पेरिफेरल पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, इट कंटेन्स वन स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। यहां पे मैंने एक डॉट दिखाया है, प्रोटोप्लाज्म के पेरिफेरल पार्ट जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के एग्जैक्टली नीचे, ओके, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसल बॉडी। और यह भी ध्यान में रखना है, ये जो बेसल बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली सेंट्रियोल, जो अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। बेसल बॉडी जो है वो एक्चुअली क्या है, सेंट्रियोल ही है। तो इस बेसल बॉडी से एक ऐसा एक्सटेंशन बनेगा, ओके, लाइक दिस। तो ये जो एक्सटेंशन अभी बना है, ये या तो सिलिया हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, फ्लैजेला। ये जो एक्सटेंशन यहां से बना है, मैं बोल रहा हूं, या तो ये क्या होगा, सिलिया होगा, या फिर क्या होगा, फ्लैजेला। दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, डोंट वरी। क्या बोलेंगे सर फिर एग्जैक्टली क्या है, सिलिया किसको बोले और फ्लैजेला किसको बोले, वो भी पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो एक्सटेंशन है यहां पे, दिस आउटर कवरिंग इज वेरी पॉपुलरली नोन एज अ शीथ। इस आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है, शीथ बोला जाता है। और अंदर के साइड में देयर इज अ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। सेमी सॉलिड क्या देखने को मिलेगा आपको, मैट्रिक्स होगा, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अंदर के साइड में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट कर रहा है। दिस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सोनीम। इस सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको, एक्सोनीम, ऐसा बोलना है, सिंपल, ओके। अभी ये जो एक्सोनीम के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ 9 क्लस्टर्स ऑफ 2 माइक्रोटिब्यूल्स। ये भी एक रॉड है, लेकिन इसको अगर मैं बड़ा करके देखूंगा तो ये 2 माइक्रोटिब्यूल है, ये 2 है, ये 2 है, ऐसे 2-2 माइक्रोटिब्यूल के कितने क्लस्टर है, वापस 9 क्लस्टर्स होते हैं सर्कुलर पैटर्न में, और सेंटर में 2 माइक्रोटिब्यूल होते हैं सिंगल। सो दिस अरेंजमेंट इज वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज 9+2 अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट यहां पे बोल रहा हूं मैं एक्सोनीम के अंदर, बहुत सिंपल है, 2-2 माइक्रोटिब्यूल के 9 ग्रुप, और सेंटर में उसको सपोर्ट करने के लिए 2 सिंगल माइक्रोटिब्यूल होते हैं, ओके। तो बाहर के 9 और अंदर के 2, तो इस तरह इस अरेंजमेंट को बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आपके सिलिया फ्लैजेला के अंदर जो एक्सोनीम होता है उसमें किस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है माइक्रोटिब्यूल का। तो मैं बोला ये अरेंजमेंट जो है वो कैसा है, 9+2। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं, आप पूछेंगे कि सर ये हमको कैसे पता चले कि कौन सा सिलिया और कौन सा फ्लैजेला है, तो बहुत सिंपल है, इफ यू सी द सिलिया दे आर शॉर्ट एंड मैनी इन नंबर। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सिलिया है, तो सिलिया की जो लेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है, ओके, लेकिन नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूमरस इन नंबर, ओके। इफ यू टॉक अबाउट फ्लैजेला, जैसे मैंने अभी शो किया था आपको, ये आपका क्या है, स्पर्म है, ओके, तो रफली स्पर्म को मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था, ओके, तो ये आपके सामने है, देख लो। फ्लैजेला जो है इट इज लॉन्गर इन लेंथ एंड रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू इन नंबर। उनका नंबर बहुत कम होता है लेकिन लेंथ ज्यादा होती है, ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, उनका नंबर क्या है, कम है लेकिन क्या ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजेला। रिपीट करता हूं, सिलिया आर शॉर्टर इन लेंथ, न्यूमरस इन नंबर, ओके, फ्लैजेला आर लॉन्गर इन लेंथ एंड फ्यू इन नंबर। नाउ आप बोलेंगे सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला, देयर मेन वर्क इज टू प्रोड्यूस करंट इन द फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड का मतलब लेना है लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट फॉर लोकोमोशन एंड पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। अभी कुछ लोग करंट बोलेंगे तो आपको लगेगा सर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, कि नहीं, करंट का मतलब लेना है मूवमेंट यहां पे। जैसे मान लो कि पानी है, स्टिल है, और आपने ऊपर से एक पत्थर डाल दिया उसके अंदर, तो वेव्स बनेंगे वहां पे। तो मैं साइंटिफिकली ऐसा बोलूंगा, साइंस की लैंग्वेज में ऐसा बोलूंगा कि उस वाटर में क्या प्रोड्यूस हो गए, करंट प्रोड्यूस हो गए। तो जब ये सिलिया फ्लैजेला मूव करते हैं,
ये फ्लूइड मीडियम में क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं, और उस करंट की वजह से शायद ये स्पर्म एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेगा, तो लोकोमोशन में मदद कर सकते हैं। या फिर ये सीलिया देखो, इस तरह आगे पीछे अगर मूव करेंगे तो इसके सरफेस के ऊपर अगर कोई सब्सटेंस होगा ये उसको आगे पुश कर सकते हैं। तो किसी मटेरियल को अगर मुझे आगे पास करना है, अगर किसी सेल को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना है, तो ये मूवमेंट में आपको मदद करेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला। तो ये था कंसेप्ट आपका सिलिया और फ्लैजेला का। ओके, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। वापस एक बार रिपीट करता हूं, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सिलिया एंड फ्लैजेला, वेरी फाइन हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन सम ऑफ द सेल्स। हर सेल में नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ स्पेशलाइज सेल्स में ही होते हैं। हेयर की तरह दिखने वाला एक्सटेंशन है प्रोटोप्लाज्म का। आपके प्रोटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल मतलब कॉर्नर, ओके, जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के एग्जैक्टली पीछे, ओके, एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखाया मैंने उसको, वो स्ट्रक्चर को नाम दिया मैंने बेसल बॉडी। बेसल बॉडी एक्चुअली क्या है? सेंट्रियोल है। ओके, तो ये भी पूछेंगे कि सिलिया फ्लैजेला ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सिलिया फ्लैजेला कहां से ओरिजिनेट होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बेसल बॉडी आएगा। वहां से मैंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म का एक एक्सटेंशन बना है, ये एक्सटेंशन या तो सिलिया होगा या तो फ्लैजेला होगा। ये जो आउटर कवरिंग बनी है अभी, इसको क्या बोलना है? शीथ। उस शीथ के अंदर क्या होता है? सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, और अंदर एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर रहा है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलना है? एक्सोनीम ऐसा बोलना है, ओके? और इस एक्सोनीम के अंदर दो दो माइक्रोटिब्यूल्स के 9 क्लस्टर होते हैं सर्कुलर पैटर्न में, और सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोटिब्यूल होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया मैंने? 9+2 अरेंजमेंट। और फाइनली हमने बोला कि ये जो आपके सिलिया और फ्लैजेला है वो कैसे हैं, या डिफरेंस क्या है दोनों में? तो सिलिया आर शॉर्टर इन लेंथ, न्यूमरस इन नंबर, फ्लैजेला आर लॉन्गर इन लेंथ, रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू इन नंबर, ओके? और उनका मेन काम है आपके फ्लूइड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में करंट प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर लोकोमोशन और पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। दोनों चीजें आपके सामने है, ओके? अगर स्पर्म है तो लोकोमोशन होगा, इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर वो सिलिया है तो मे बी ये फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। फैलोपियन ट्यूब मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। रफली बता देता हूँ, रफली शो करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड तक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो रफली कुछ इस तरह से देखने को मिलता है आपको। फिलहाल बाकी के पार्ट्स की बात नहीं करूंगा, ये जो ऊपर के पार्ट्स है इनको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पे होती है ओवरी, तो ओवरी में से रिलीज होता है एग, इस एग को मुझे यूटेरस तक पुश करना है, आगे भेजना है। दिस एग इज नॉन मोटाइल, ये जो ह्यूमन एग होता है वो नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकता। तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये नीचे के साइड में ये आपको देखने को मिलेंगे यहां पे सिलिया। तो होता क्या है? दिस सिलिया बीट रिदमिकली, मूव करते हैं, और जैसे सिलिया की मूवमेंट होगी वो एग को आगे पुश करेंगे। तो मटेरियल का पैसेज या फिर लोकोमोशन में मदद करने का काम जो है वो कौन करने वाले हैं? आपके ये सिलिया करने वाले हैं, सिंपल, ओके? सिलिया या फ्लैजेला, वट एवर, जो भी होगा, ओके, डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या होने वाला है। तो ये था आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पार्ट नंबर 3, विच इज नोन एज सिलिया एंड फ्लैजेला। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है तो आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। चलो जल्दी जल्दी, ये समझ में आ गया है सब लोगों को? यहां तक कोई डाउट्स है तो पूछ लो। जो लोग नए ज्वाइंट हो गए हैं उनके लिए बता देता हूं, जिस चैनल पे अभी आपने ज्वाइन किया लाइव लेक्चर के लिए, वहीं पे अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले वाले सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। 11th फाउंडेशन बायोलॉजी आपको सर्च करना है, ओके? ये 12th लेक्चर है, इसके पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं, सिक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भी आपको टाइम मिलता है वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, ओके? चलो, प्रणीत, संपदा, संस्कृति, आरिश, चेतन, वेदांत, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ऋतुजा को भी कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड ऋतुजा, यस। सनिल, चलो जल्दी जल्दी, कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट, यस। Mm-hmm.
नोट्स अगर नहीं है तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, वो नोट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं, जो बच्चे आज पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ओके, इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड किए ऑलरेडी, लेकिन जिनका आज पहला लेक्चर है उनके पास वो नोट्स नहीं होंगे तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा नंबर है। ओके, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी वो नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। आई थिंक सब लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, किसी को कुछ डाउट्स नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, अगला पार्ट जो है वो कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।